नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताज़ा खबरों में। तो दोस्तों, सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें इसके साथ ही में। दोस्तों, रेल यात्रा, बस सेवा, फ्लाइट सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1, साथ ही में दोस्तों चीनी बीमारी मतलब कि कोरोना वायरस और मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर और जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। इसीलिए भाइयों और बहनों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप आज के बाद में एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं तो अगर आप इस एक नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपके एटीएम से पैसे नहीं निकलेंगे। तो दोस्तों, आखिर में भारत सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए कौन सा नया नियम बनाया है, वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही में दोस्तों, अगली अपडेट की जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना बनाई है, इस योजना के तहत किन किन लोगों को 10,000 रुपए मिलेंगे और साथ ही में आवेदन कहां से करना है, कैसे अप्लाई करना है और साथ ही में किन किन लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा, उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। इसके साथ ही में दोस्तों, अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में कोरोना से जुड़ी हुई एक बहुत ही अच्छी खबर आई है जिसे जानने के बाद में चौंक जाएंगे आप। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी खबर निकल कर आ रही है? इसके बाद में अगली अपडेट है कि मोदी सरकार ने दी है किसानों को बहुत ही बड़ी राहत, किसानों को मिलेगा ये बड़ा फायदा। तो आखिर में मोदी सरकार ने किसानों के लिए कौन सी नई योजना बनाई है? इसके अलावा दोस्तों, अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप किसान हैं या फिर अगर आपके घर में कोई भी पशु है जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या फिर ऊंट है, तो मोदी सरकार ने एक नई योजना बनाई है जिसके तहत इन सभी यहां पर डेयरी फार्म्स वालों को और पशुपालन करने वाले लोगों को बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगली अपडेट की दोस्तों, मौसम विभाग ने यहाँ पर चेताया है कि आने वाले दिनों में भारत के इन 5 राज्यों में भारी तूफान और बारिश की संभावना है और साथ में इन 5 राज्यों में यहाँ पर जो भारत सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, ये भारत सरकार के दक्षिणी और साथ ही में पश्चिमी कुछ राज्य है जो विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर की लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 के बीच में, मतलब कि लगभग आपके अनलॉक के 15 दिन जाने के बाद में आपके यहाँ पर भारत में ये जो 5 चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती होने वाली है और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो भारत में बहुत ही ज़्यादा महंगी होने वाली है। तो इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी देंगे ताकि अगर आप इन चीज़ों की खरीदारी करने वाले हैं तो कुछ सोच समझ कर कीजिएगा ताकि आपकी जेब पर ज़्यादा खर्च ना बढ़े। इसके अलावा दोस्तों, अगली अपडेट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि भारत में जो 1 जून 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू हुई थी, तो दोस्तों इसी स्कीम के तहत भारत सरकार ने यहां पर एक और नया नियम जोड़ दिया है जिसका आपको पालन करना होगा, नहीं तो भारत में इन 20 राज्यों में जो ये योजना शुरू हुई है इन लोगों के जो राशन कार्ड है वो बंद हो जाएंगे और फिर कभी भी चालू नहीं हो पाएंगे। तो ये कौन सा नियम है जिसको आपको पालन करना होगा वो हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज़ दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और साथ ही में दोस्तों वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है। तो चलिए इस खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर भारत सरकार ने एटीएम से पैसे निकालने के लिए एक नया नियम बनाया है। अब अगर आप एटीएम से रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पैसे निकालने जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो एटीएम में लेकर जाना होगा, क्योंकि दोस्तों 8 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप पैसे निकालेंगे तो एटीएम से आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको एटीएम मशीन में एंटर करना होगा, तभी आप एटीएम से पैसे निकाल पाएंगे, नहीं तो आपके पैसे वहीं अटक जाएंगे और आपके पैसे बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। अगली दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट की आज हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। जानिए कैसे मिलेगा 10,000 रुपए तक का फायदा। तो दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, मतलब जो छोटे दुकानदार है, जो ठेले चलाते हैं या फिर जो यहां पर लॉरी वगैरह या फिर जो यहां पर छोटी छोटी दुकानें हैं उन लोगों के लिए स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष क्रेडिट स्कीम की योजना की शुरुआत की है। इसके तहत रेहड़ी वाले, पटरी वाले लोगों को यहां पर काम धंधा फिर से शुरू करने के लिए सरकार पैसे देगी। तो दोस्तों, सरकार ने इसे पीएम स्वनिधि योजना का नाम दिया और इसके तहत आपको कैसे पैसे मिलेंगे चलिए हम आपको वे बता देते हैं। तो दोस्तों, इस विशेष क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत 24 मार्च 2020 तक या इससे पहले वेंडिंग करने वाले 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां पर वेंडर्स 24 मार्च 2020 से पहले थे तो ही आपको यहां पर 10,000 रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, देखिए कहां पर कैसे मिलेंगे ये पैसा और इसका योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा। इस स्कीम के तहत हर स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए तक का लोन ले सकता है और
और इस राशि को रेहड़ी पटरी वाले एक साल के भीतर किस्त में लौटा सकते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ फायदे भी है, चलिए वो भी जान लेते हैं। इस लोन को समय पर चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को 7% का वार्षिक ब्याज है जो सब्सिडी के तौर पर उनके अकाउंट में सरकार की तरफ से ट्रांसफर किया जाएगा और इस स्कीम के तहत जुर्माने का कोई भी प्रावधान नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर लोन चुकाने में कुछ देरी भी कर देते हैं तो भी आपके यहाँ पर कोई भी जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। तो दोस्तों जाने इस योजना की खास बातें क्या है। तो दोस्तों मोबाइल ऐप या फिर वेब पोर्टल आधारित जो आवेदन प्रक्रिया है और इस लोन के लिए किसी तरह की कोई भी गारंटी की जरूरत नहीं है। एक साल के लिए 10,000 रुपये तक की शुरुआती कर्ज है और समय पर या उससे पहले कर्ज के भुगतान पर 7% आपको ब्याज भी सब्सिडी के तौर पर मिलेगा और पात्र लेनदारों को 6 मई आधार पर किया जाएगा सब्सिडी का भुगतान और पहले लोन के समय पर और जल्द भुगतान की स्थिति में अधिक लोन की एलिजिबिलिटी है। मतलब अगर आप यहाँ पर साहूकारी रखते हैं और टाइम पर अपना ब्याज दे देते हैं तो आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा लोन मिल सकता है। तो दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर कोरोना से निकल कर आ रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच में आई है बहुत ही बड़ी खबर और रिकवरी रेट में आई है गिरावट, साथ ही में दोस्तों रिकवरी रेट में यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है, लेकिन ज्यों ज्यों टेस्टिंग बढ़ रहा है त्यों त्यों नए मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इन बढ़ते मामलों के बीच में एक अच्छी खबर भी सामने आई है जो हर किसी के लिए मायने रखती है। दरअसल भारत का जो रिकवरी रेट है वो और भी बेहतर हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक रिकवरी रेट अब 48.9% से 9% हो गया है। वहीं मृत्यु दर में भी गिरावट आई है और यह घटकर 2.83% हो गया है। मतलब कि भारत में जो हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं हैं और जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने दी है किसानों को बड़ी राहत, लोन चुकाने के लिए मिली 3 महीने की मोहलत और मिलेगी 3% की छूट भी। तो आखिर में कौन से लोन है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 1 जून को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से 3 लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म लोन चुकाने की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है। मतलब जिन लोगों ने KCC उठा रखी या फिर किसी भी प्रकार का लोन ले रखा है तो उन्हें छूट दे दी गई है और अब ये जो छूट है ये 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच में चुकाए जाने वाले लोन के लिए है और ऋण अब यहां पर 31 अगस्त 2020 तक चुकाए जा सकते हैं। और दोस्तों जो कर्ज चुकाने के समय अवधि है उसे बढ़ाए जाने के बावजूद इन लोन पर बैंकों को मिलने वाली 2% की जो ब्याज छूट है तथा किसानों को समय रहने पर लोन चुकाने पर मिलने वाली जो 3% की छूट की सुविधा पहले की तरह जारी ही रहेगी। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है जिनके घर में पशु है या फिर जो डेयरी का काम करते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं अब डेयरी किसानों का भी बनेगा क्रेडिट कार्ड और मोदी सरकार की स्कीम से 1.5 करोड़ डेयरी फार्म्स को में होगा फायदा। तो दोस्तों आखिर में क्या ये योजना है, कैसे मिलेगा? तो दोस्तों देख सकते हैं डेयरी फार्म्स के लिए इस खास स्कीम की शुरुआत 1 जून से की गई है और डेयरी फार्म्स को किसान कार्ड मुहैया कराने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग ने खास तौर पर अभियान चलाने का निर्देश दिया है और इस अभियान के तहत 31 जुलाई तक सभी डेयरी फार्म्स को किसान क्रेडिट कार्ड देने का लक्ष्य रखा गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत आता है और इस योजना के तहत 1.7 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर आपको जैसे कि मालूम होगा लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि खरीफ की जो 14 फसलें हैं उसका समर्थन मूल्य यहां पर मोदी सरकार ने बढ़ा दिया, जिससे आप यहां पर देख सकते हैं जो 5 प्रमुख फसलें हैं उनका समर्थन मूल्य यहां पर 53 रुपये से 300 रुपये तक का हो चुका है। तो दोस्तों जो धान का पहले यहां पर जो समर्थन मूल्य था वो 1815 था लेकिन अभी से बढ़ाकर 1868 रुपये कर दिया, मतलब कि 53 की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। साथ ही में तुअर में 200 की बढ़ोतरी हुई है, मूंग में यहां पर 146 की बढ़ोतरी हुई है और उड़द में आप यहां पर देख सकते हैं 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कि देश में जैसे ही लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 लगा है देश में बस यात्रा और रेल यात्रा शुरू हो चुकी है और अब देश का हर कोई नागरिक इन रेलों में और बसों में यात्रा करना चाहता है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार ने पहले ही यहां पर रेल यात्रा और बस यात्रा करने के कुछ नियम लगाए हैं, लेकिन इन नियमों में भी यहां पर एक बदलाव किया है और एक नया नियम जोड़ा गया है जिसका आपको पालन यहां पर करना ही होगा। चलिए हम आपको वो नियम बता देते हैं लेकिन उससे पहले जो पहले के नियम थे एक बार उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप रेल में यहां पर सफर करना चाहते हैं तो आपको यहां पर 30 दिन पहले तक आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं और यात्रा के दौरान आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, साथ ही में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा और यात्रा करने से पहले आपको 90 मिनट पहले आपके रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना होगा, नहीं तो आपका टिकट कैंसिल हो सकता है।
और प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले आपका मेडिकल टेस्ट होगा। रेल में कोई भी कंबल या फिर तकिया नहीं दिया जाएगा। साथ ही में जो आप ये टिकट है ये IRTC एप्लीकेशन या फिर रेलवे वेबसाइट या फिर किसी भी टिकट काउंटर से बुक करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर भारत सरकार ने एक नया नियम लगाया कि यहाँ पर अगर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का जो नियम बनाया गया है इसका जरा भी अगर उल्लंघन करता कोई भी व्यक्ति पाया गया तो सबसे पहले उसकी यात्रा कैंसिल कर दी जाएगी और उसके बाद में उसका टिकट कैंसिल कर दिया जाएगा और उसका जो रिफंड है वो भी उसे वापस नहीं दिया जाएगा। मतलब कि आपको यहाँ पर यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क है इसे लगाना होगा, नहीं तो आपको बाद में आफत का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पर लॉकडाउन 5 और जिन शहरों में अनलॉक 1 लगा हुआ है इन शहरों में कैसे यहाँ पर धीरे धीरे स्कूल कॉलेज गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद खुलेंगे।